सोचो कि आपका कॉलेज ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, या क्या पता ख़त्म हो गया है और आपको ये नहीं पता कि आगे क्या करना है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ नहीं तो लगा कोई नहीं, चलो यार गेट की तैयारी कर लेंगे या IELTS दे लेंगे। एक साल प्रिपरेशन करने के बाद जब एग्ज़ाम दिया और रिजल्ट आया तो पता चला कि कट ऑफ के पास भी नहीं है, कि सिर्फ आपकी नहीं हम में से बहुतों की स्टोरी है। मेरी लाइफ के किस्से तो और ही अजीबो गरीब है। जब फर्स्ट अटेम्प्ट JEE दिया तो कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। मम्मी पापा ने बोला कि JEE क्लियर नहीं हुआ है तो अब BTECH में एडमिशन क्या लोगी, लॉ में एडमिशन ले लो। घर में लॉ बैकग्राउंड था तो पापा ने लॉ में एडमिशन करवा दिया। लॉ करते करते मेरा मन नहीं लगा तो मुझे लगा कि फिर से JEE देने का एक बार ट्राई करती हूँ। JEE दिया और ठीक ठाक मार्क्स आ गए। अब घर में नया ड्रामा कि लड़की हो, बड़ी बेटी हो घर की, कहाँ जाओगी बाहर, यही इलाहाबाद में रह के पढ़ाई कर लो। फिर मैंने पापा को बहुत ज़िद्द करी और हाथ पकड़ के लेके गई, पास में एक कॉलेज था वहाँ पर एडमिशन ले लिया। बहुत सोच समझ के मैंने EC ब्रांच सेलेक्ट करी, ये सोच के कि मैं पब्लिक सेक्टर में जाऊँगी, PSU में जाऊँगी या IES करूँगी। अब फर्स्ट ईयर में जब थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया मैंने गेट के बारे में, गेट एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, IES में क्या क्या आता है, तो ये लगा भाई ये तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है और मुझसे नहीं होगा। तो फर्स्ट ईयर के बाद ऐसा लगा कि भाई पब्लिक सेक्टर तो ना हो पाएगा। सेकेंड ईयर में लगा कि UPSC करते हैं, IAS की तैयारी करते हैं, और मेंस में ना टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं लूँगी, कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट ले लूँगी, पब्लिक रिलेशन या साइकोलॉजी टाइप का कोई सब्जेक्ट ले लूँगी और उससे पढ़ाई करूँगी। सेकेंड ईयर ख़त्म होते होते लगा कि इतना कंपटीशन है UPSC में और इतनी कम सीट्स हैं, मुश्किल है होना, वो आइडिया भी फ्लॉप। थर्ड ईयर आते आते नया बवाल, कोविड आ गया। अब लगा कि अब आखिरी चारा है, कोडिंग सीखनी पड़ेगी अगर जॉब चाहिए तो, क्योंकि सारी इंडस्ट्री कोविड के टाइम पे इम्पैक्टेड थी, बट काम सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कर रहे थे। तो ऐसा लगा कि कोडिंग सीखनी पड़ेगी और फ्री जॉब लगेगी, एंड इट फील्स लाइक कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ईजिली जॉब लग जाएगी। फिर जैसे तैसे करके जॉब लग गई और बहुत अच्छी लग गई। बट ऐसा नहीं है कि लाइफ के किस्से ख़त्म हो गए, लाइफ में नए नई नई चीज़ें वापस से आना शुरू हुई। तो यार मैंने अपने कैंपस प्लेसमेंट के टाइम पे 13 जॉब ऑफर्स क्रैक किए थे, और मैं सबसे पहली थी मेरे कॉलेज में जिसका प्लेसमेंट लगा था, जिसकी सबसे अच्छी जॉब लगी थी। तो मैंने जब भी किसी से मैं मिलती हूँ, किसी से भी बात करती हूँ, स्पेशली मेरे जूनियर्स से, तो जूनियर्स मुझसे पूछते हैं कि दीदी आपने इतने सारे जॉब ऑफर्स कैसे क्रैक किए, आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई। तो मैं जबकि Tier 3 कॉलेज से हूँ और मेरा कोई कोडिंग का बैकग्राउंड भी नहीं है, तो इसीलिए सबको लगता है कि हाँ मैंने कुछ तो थोड़ा बहुत तो किया है। तो अपने स्टूडेंट्स को और अपने जूनियर्स को गाइड करने के लिए मैंने इस सैटरडे को 6 PM टू 7 PM एक वर्कशॉप कंडक्ट करी है, और उस वर्कशॉप में मैं आपको अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी। सी इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू क्रैक कंपनीज एंड गेट अ जॉब, इट्स जस्ट दैट यू शुड नो द राइट स्ट्रैटेजी। तो मैं उस वर्कशॉप में आपको अच्छे से बताऊंगी कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, मैंने किस तरीके से पढ़ाई करी थी, और क्या क्या मैंने रोड मैप फॉलो किया था, क्या रिसोर्सेज मैंने फॉलो करी थी, नोट्स कैसे बनाई थी, अपना रिज्यूमे कैसे बनाया था, और किस तरीके से मैंने एंड टू एंड अपनी प्रिपरेशन करी थी, जिससे मैंने एक दो नहीं 13-13, 14-14 ऑफर्स क्रैक किए थे, एंड दैट टू इन रियली गुड कंपनीज लाइक TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, विप्रो, इन सब कंपनीज में मैंने क्रैक किया था, और भी बहुत सारी कंपनीज। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप सीरियस हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो सिंपली लिंक पर जाकर क्लिक करके खुद को रजिस्टर कर लीजिए और मिलते हैं वर्कशॉप में। तो यार मैं नहीं चाहती थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए और मैं आपसे बात ना कर पाऊँ। मेरा मेन एजेंडा वर्कशॉप का ये है कि मैं आपसे 1-on-1 इंटरेक्ट करके आपको गाइड कर सकूँ, क्योंकि जनरली जब हम कॉलेज के टाइम पे होते हैं और हमारे पास कोई सीनियर नहीं होता जिससे हम पूछ सकें कि क्या फॉलो करना है, कुछ ऐसे तोप नहीं करना है, कुछ बहुत बड़ा नहीं उखाड़ना है, कुछ बहुत सारी पढ़ाई नहीं करनी है, बट हाँ सही तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से, सही चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या पढ़नी है। तो उसके लिए मैं आपको गाइड करूँगी, एंड हाँ 1-on-1 मेंटोरशिप है, इसलिए सीट्स मैंने लिमिटेड रखी हैं, तो टाइम रहते जाके फॉर्म को भर दो एंड फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर लो, वरना सीट फुल हो जाएगी। तो यार मैं अपनी लाइफ के किस्से तो आपको बताती ही रहूँगी, अब आप मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए वो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। देखो यार ज़िंदगी है, चलती रहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये नहीं पता कि आगे तुम्हें क्या करना है
क्या लिखा है तुम्हारी लाइफ में नहीं पता, कहाँ लेकर जा रही है ज़िंदगी नहीं पता, क्या करना है क्या नहीं करना है तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है। बट एक चीज़ का ध्यान रखो, सिर्फ अल्टीमेटली तुम्हें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है और वो है खुशी। जो भी करो उसमें तुमको खुशी मिलनी चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है लाइफ में। तो यार ज़िंदगी जीने के लिए होती है, खुल के जियो और खूब इन्जॉय करो। पर अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है, फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए और अपने पैरों पर अपने बलबूते पे खड़ा होना है और तुम्हारे पास पुश्तैनी पैसा नहीं है तो काम तो देखो यार करना ही पड़ेगा। तो अगर कॉलेज के बाद तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे सिंपल तरीका है कि एक जॉब ले लो। देखो जॉब में ना इजी मनी है और जॉब लगना कोई एक बहुत बड़ा टास्क नहीं होता, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में कोई बहुत बड़ी जंग नहीं होती है। जब तक नहीं लगती तब तक ऐसा लगता है कि कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट एक बार लग जाती है तो ऐसा लगता है कि नहीं इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था। अब यार अगर जॉब चाहिए तो आपका बैकग्राउंड क्या था या आपके करियर में कितना गैप था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जिस फील्ड में आपको जाना है डिसाइड करो कि वो डोमेन कौन सा होगा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करो एंड अपने आप को 6 मंथ्स की टाइमलाइन दो। उस 6 मंथ्स में अगर आप डेडिकेटेडली विदाउट डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई कर सकते हो, स्किल और एक्सपर्टीज गेन कर सकते हो जो कि आप बिल्कुल कर सकते हो, तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग अ गुड जॉब। सी इट्स ऑल योर कंसिस्टेंसी दैट मैटर्स, योर एक्सपर्टीज दैट मैटर्स एंड 6 मंथ्स इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम लाइन। बहुत आराम से आप तैयारी करके एक अच्छी सी जॉब ग्रैब कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन डेफिनेटली हायर एजुकेशन का है। तो अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हो, आपको PG या आपको PhD करना है, तो डेफिनेटली गो अहेड एंड डू इट, बिकॉज ग्रेजुएशन के बाद का जो टाइम होता है ना, दैट्स द बेस्ट टाइम टू डू एनी फर्दर हायर एजुकेशन, बीट मास्टर्स और एनी अदर एजुकेशन, बिकॉज यू आर इन दैट कंटिन्यूस फ्लो ऑफ लर्निंग। तो वो ब्रेक नहीं होता, जॉब जब आप करने लगते हो उसके बाद जब आप मास्टर्स करते हो तो वो एक फ्लो ब्रेक हो जाता है। तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद या अपने फर्स्ट स्टडीज़ के बाद डायरेक्टली सेकेंड स्टडी पर जाते हो, देन इट्स अ वेरी ईजी प्रोसेस एंड दैट्स द बेस्ट टाइम टू डू इट। Now, coming to the third thing that you can choose for yourself is freelancing. तो अगर आपको किसी particular skill set में expertise है तो आप definitely as a freelancer काम कर सकते हो। And as a freelancer काम करने के लिए सबसे ज़्यादा important है networking and collaboration. It's very important कि आप लोगों से मिलो, online या offline किसी भी तरीके से आप लोगों से मिलो, उनसे बात करो, because you don't know कि आपका next potential client कौन हो सकता है। So it's very important कि आप अपनी skill develop करो और लोगों का trust gain करो, so that you get more and more clients. एक बारी आप as a freelancer काम करने लगते हो, आप earn करने लगते हो, तो आप अपनी skills पे भी बहुत confident हो जाते हो और आपको लोगों से मिल के आपको पता चल जाता है कि exactly market में क्या चल रहा है। और हाँ, एज अ फ्रीलांसर अगर आप काम करते हो तो आप टैक्स भी बचाते हो बहुत सारा। चौथा, अपने नॉर्थ में जो कल्चर है कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हो, बट बिफोर सिटिंग एंड थिंकिंग अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, एनालाइज करो दैट इज़ इट वर्थ गिविंग योर टाइम। आप अपना टाइम और एनर्जी लगाने से पहले एनालाइज करो कि विल यू बी एबल टू एक्सट्रैक्ट योर एनर्जी एंड टाइम फ्रॉम द जॉब दैट यू विल गेट, एंड क्या वो वर्थ इट है कि नहीं। और अगर है तो बिना किसी सेकेंड थॉट के स्टार्ट योर प्रिपरेशन। बट येस, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखो कि अपने आप को हमेशा एक टाइम बाउंड्री में सेट करो। कभी भी बिना टाइमलाइन के देखो तुम काम करोगे तो वो इन्फिनिटली लॉन्ग चलता रहेगा और तुम्हें खुद को नहीं पता होगा कि कब उसका एंड आएगा। तो जब भी कोई ऐसी प्रिपरेशन करनी हो तुमको जहाँ तुम्हें लग रहा है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो खुद को एक टाइमलाइन दो कि हाँ मुझे इतने से इतने टाइम में करना है, और अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं उस पर एक सेकेंड थॉट दूंगा, या तो मैं अपनी पूरी जर्नी को फिर से एनालाइज करूंगा कि मैंने क्या मिस्टेक करी और मैं क्या सही कर सकता हूँ, और या तो मैं एक बैकअप ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा अपने लिए जिससे मैं लाइफ में डीमोटिवेटेड ना रहूं। क्योंकि आप हर समय 32-35 साल तक आप तैयारी तो नहीं करते रह सकते। और मान लो आपने कर भी ली, 35 साल में आपकी जॉब लग भी गई, मान लो एक अच्छी जॉब लग भी गई, तो फिर वो जो एन्जॉय करने का टाइम था वो तो चला जाएगा फैमिली बनाने में। तो इसीलिए समय रहते एनालाइज कर लो कि किस चीज़ में कितना टाइम लगेगा और तुमको कितना टाइम देना है, बिकॉज लाइफ बिना टाइमलाइन और बिना डिसिप्लिन के नहीं चलती है। कुछ भी अचीव करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ में डिसिप्लिन रखना। 5वां, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस ऑनलाइन या ऑफलाइन। आई नो ये ऑप्शन सबके लिए फीजिबल नहीं है, बट जिनके लिए है यू कैन एक्सप्लोर, यू कैन गो अहेड एंड डू इट। सो इन शॉर्ट, यू गॉट वन लाइफ और इसको कैसे जीना है ये आप ही डिसाइड करेंगे। और हाँ, वो कहावत है ना कि ठान लो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है,
बट प्रोवाइडेड कि आप में वो हिम्मत है कि दृढ़ निश्चय करके डेडिकेटेडली और कंसिस्टेंटली अपने ड्रीम्स के लिए स्ट्राइव करना। जाते जाते मैं आपको वर्कशॉप के बारे में रिमाइंड कराना चाहती हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में है, डोंट फॉरगेट टू एनरोल योर सी। एंड अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट माई न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच।